पूरा वोट दो, उसका बाद वोट जीतेगा तो क्या गरीब को दे देता है? नहीं देता है। गरीब अपना खट रहा है, खा रहा है। इसमें होता नेता लोगों का ये होता है और सरकार का इसमें फायदा होता है। जेएनसी ने शुक्रवार को दी थी अतिक्रमण हटाने की हिदायत, वहीं शनिवार को कार्रवाई में कई अवैध दुकानें तोड़ी। जेएनसी अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख में है, जहां शुक्रवार को जेएनसी और टाटा स्टील द्वारा अतिक्रमण को लेकर जागरूक किया गया था कि लोग अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दर्जनों ठेलों, खेमचों और रेहड़ी दुकानों को हटाया गया। इस बीच कई दुकानदारों ने बताया कि वो 20 से 25 सालों से दुकान लगा रहे हैं, अचानक से दुकानें हटने से भुखमरी की स्थिति उनके सामने आ चुकी है। जिला प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके और उनके परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा ना हो। 7 साल तो दुकान लगाए थे, ऐसे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, हम अकेले हैं। मेरा माँ है, मेरा माँ है, बच्चा दो बच्चा है, मेरा लड़का एक लड़का है। उधर जनोसी वाला आए तो हमको तो पता भी नहीं था, तो लोग आए तो बोले दुकान हटाए, फिर भी अच्छा से समझा के बोले कि साइड कर लीजिए, दुकान हम लोग को है साइड कर लीजिए। लेकिन यही दिक्कत है कि गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा। आपका ठेला क्या हुआ? ठेला तो वहाँ रखे हैं लेकर हम बगल में अंदर में ठेला उठा के ले गया। कितने का नुकसान हुआ होगा? अंदर में जो टूटा फूटा होगा क्या करेंगे, उन लोगों का भी तो सरकारी नौकरी है ना, उन लोगों को भी तो अपना नौकरी को बचाएंगे ना। हम तो अकेले नहीं ना, सबका ठेला। कितना दुकान होगा? फिर भी नहीं होगा तो 15-20 को दुकान है लाइन से, सबका वही। क्या चीज का दुकान था? सबका चाय बिस्कुट यही सब लगाए थे तो हम लोग इसी से दो पैसा कमा के खाते थे, इसी में घर बढ़ा देते थे, इसी में बच्चा को पढ़ाई करते थे, इसी में दवाई पानी करते थे। तो सरकार का जब जरूरत पड़ता वोट कर लिए, तभी घूम घूम के वोट कर लिए, मांगता कि वोट दीजिए। और गरीब आदमी कहाँ कैसे पेट पलेगा, वो तो सरकार तो नहीं देख रहा है ना कि कैसे खाएगा। हाँ, कितना जन का बर्बादी हो रहा है। हाँ, किसका बाल बच्चा है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, सरकार तो नौकरी नहीं दे रहा है। हाँ, नौकरी दे रहा है कि चलो गरीब आदमी है इसको नौकरी दो, पढ़ा लिखा रहा था तो फिर भी नौकरी नहीं मिलता है। हाँ, ऊपर से क्या करता है, गरीब का लात मार के भगा देता है। हाँ, वोट होने का टाइम में पूरा गाड़ी में तेल भर के और नेता लोगों को निकलेगा, चलो वोट दो, घर घर में घुस के पूरा वोट दो, उसका बाद वोट जीतेगा तो क्या गरीब को दे देता है? नहीं देता है। गरीब अपना खट रहा है, खा रहा है। इसमें होता नेता लोगों का ये होता है और सरकार का इसमें फायदा होता है। मंगलवार के दिन आपको नहीं जाना होगा साक्षी, क्योंकि अब ओल्ड पुरुलिया रोड में ही खुल चुका है मंगला हाट। मंगला हाट मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में एक ऐसा दुकान जहां मिलता है फैक्ट्री माइनर रिजेक्शन ब्रांडेड कपड़े, वो भी एकदम वाजिब दामों में। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड चीसू भवन के समीप रोलेक्स टावर के मंगला हाट में आपको मिलेंगे लड़के लड़कियों एवं बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े, वो भी सिर्फ 30 रुपए, 50 रुपए, 99 रुपए, 150 रुपए एवं 200 रुपए के ऊपर के वाजिब दामों में। हर मंगलवार के दिन मंगला हाट में स्पेशल ऑफर भी दिया जाएगा। तो याद रखें, ओल्ड पुरुलिया रोड चीसू भवन के समीप रोलेक्स टावर में खुल चुका है मंगला हाट।